वो तस्वीर भी दिखाई, एयरपोर्ट की तस्वीरें जहां पर राहुल अपनी मां और अपनी बहन के साथ पहुंचे थे, यानी कि सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी, उनके साथ ही साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक पूरा हुजूम भी इन सबके साथ था। आज कुछ देर में राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन करने वाले हैं और बताया जा रहा है ये नॉमिनेशन शक्ति प्रदर्शन का आधार होगा। लेकिन एक तरफ जहां रायबरेली से राहुल गांधी को कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित किया, तो दूसरी तरफ लगातार अब राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेता बीजेपी के यही कह रहे हैं कि राहुल मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। भाग तो वो बहुत पहले गए थे, लेकिन उनमें आत्मविश्वास नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है कि अमेठी की जनता उन्हें जिताएगी, और यही वजह रही कि राहुल गांधी को रायबरेली सीट से उतारा गया है। तो कुछ देर बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, 12:15 बजे का वक्त दिया गया है और पहुंच जाएंगे कलेक्ट्रेट राहुल गांधी। आज तीन बड़े ऐसे नाम हैं जो आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं, KL शर्मा, राहुल गांधी, और इसके अलावा जो अपोजिशन में खड़े हैं स्मृति ईरानी के, वो भी वहां पर पहुंचेंगे, और राहुल के अपोजिशन में जो खड़े हैं विजय प्रताप सिंह, वो भी आज पहुंचेंगे अपना नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। तो रायबरेली का रण बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन अगर अमेठी से राहुल गांधी खड़े होते तो शायद ये रण और दिलचस्प होता। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि हमने जो घोषणा की है वो हमारी रणनीति है, उसी आधार पर हमने अपने प्रत्याशियों के नाम अमेठी और रायबरेली से खड़े किए हैं। बातचीत करने के लिए और देखिए कुछ देर में रायबरेली में राहुल का नामांकन होने वाला है। अमेठी से अमित शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही साथ रायबरेली से हमारे साथ उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। पहले चलेंगे अमित के पास। अमित, ओवर टू यू, और बताइए जरा वहां पर किस तरह के हलचल है। अमेठी में नहीं, रायबरेली में मौजूद नीलू में, और चूंकि रायबरेली में ही राहुल गांधी को नॉमिनेशन करना है और कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंस खत्म करते हुए सरप्राइज दे दिया है। कल तक ये चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे, देर रात भी खबर सामने आई थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनावी ताल ठोकेंगे, एक बार फिर से उनका मुकाबला स्मृति ईरानी से होगा। लेकिन आज सुबह सुबह तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई, कांग्रेस पार्टी ने सस्पेंस खत्म किया, सरप्राइज दिया और पता चला कि अमेठी से किशोरी लाल शर्मा और राहुल गांधी आ रहे हैं रायबरेली। इसलिए हम जिला कलेक्ट्रेट के बाहर इस वक्त मौजूद है, यहीं पर राहुल गांधी को आना है। 12:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, 12:05 हो रहे हैं, रायबरेली की धरती पर आ गए हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत, ये तमाम कांग्रेस के बड़े चेहरे जो कि रायबरेली पहुंच चुके हैं। 20-25 मिनट बाद जहां पर हम मौजूद हैं यहीं पर उनको आना है, नॉमिनेशन करना है। 12:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, 3 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, और कांग्रेस पार्टी ने आखिरी दिन तक सस्पेंस बनाए रखा कि रायबरेली से और अमेठी से प्रत्याशी होगा कौन। कल सुबह से खबरें छन-छन कर सामने आ रही थी और पता चल रहा था कि राहुल और प्रियंका के नाम का अनाउंसमेंट हो सकता है, और देर रात यह खबर सामने आई कि अब यह पक्का हो गया है कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी लौट रहे हैं। लेकिन रात हुई, सभी लोगों ने गहरी नींद ली, सुबह जब सबकी आंख खुली तो पता चला कि कांग्रेस पार्टी ने सरप्राइज दे दिया। अब राहुल अमेठी नहीं जाएंगे बल्कि सोनिया गांधी की परंपरागत सीट, रायबरेली को परंपरागत सीट क्यों कहा जाता है यह समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। आजादी के बाद 20 बार लोकसभा का चुनाव हुआ है और 17 बार कांग्रेस पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। 2004 से लगातार सोनिया गांधी इस सीट से सांसद हैं, अब चूंकि वो राज्यसभा चली गई हैं, तो एक प्रकार से कहा जा रहा है कि औपचारिक तौर पर अपनी विरासत आज वो ट्रांसफर कर रही हैं राहुल गांधी को, और इसी क्रम में राहुल गांधी आज यहां पर नॉमिनेशन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतलब वो सीट जहां से सोनिया गांधी चुनावी मैदान में उतरती रही हैं, जीतती रही हैं, अब वहां से राहुल गांधी ताल ठोकेंगे, एक प्रकार से सोनिया गांधी की विरासत वो आगे बढ़ाना चाहेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, रायबरेली में हंगामा हुआ है, SP और BJP के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए और हंगामा देखने को मिला है रायबरेली में, जहां पर आज नॉमिनेशन फाइल किए जा रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। ऐसे में रायबरेली में हंगामा देखने को मिला, समाजवादी पार्टी और BJP के कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा देखने को मिला के। उमेश श्रीवास्तव हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद है लगातार। उमेश, क्या वजह थी हंगामे के पीछे और अभी क्या स्थिति है? जी हाँ, देखिए अभी शांति की स्थिति है, क्योंकि जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी राहुल गांधी को आना है और जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन करने के लिए जाना है, कुछ ही दूरी का फासला है, तो दोनों को
पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, लेकिन स्थिति अब सामान्य है। बहरहाल मैं इस वक्त कांग्रेस के कार्यालय पर मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे नजर आ रहे हैं, लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, जोश उत्साह उमंग के साथ कार्यकर्ता यहाँ पहुँच रहे हैं और राहुल गांधी के स्वागत को बेताब नजर आते हैं। राहुल गांधी 10 से 15 मिनट के भीतर यहाँ पहुँचने वाले हैं, क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी यहाँ पहुँचे हुए हैं, कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और सभी हाथों में झंडा लिए हुए हैं, पंजे के निशान वाला झंडा लिए हुए हैं, राहुल गांधी की तस्वीर वाला झंडा लिए हुए हैं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखा जा रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि राहुल गांधी आज रायबरेली की धरती पर आ रहे हैं, रायबरेली से वो प्रत्याशी हो गए हैं, अब लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, क्या कहना चाहेंगे, कितना खुश है कि राहुल गांधी का आगमन रायबरेली हो गया? राहुल गांधी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर कोई दो तरफा लड़ाई नहीं, यहाँ पे एक तरफा लड़ाई है। राहुल गांधी की जीत 100% पक्की है और विपक्षी जो है उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। जो वो कहते हैं यहाँ पर कमल खिलेगा, कमल यहाँ से बिल्कुल मुरझा जाएगा, कमल का नामो निशान नहीं रहेगा। इस 18वीं लोकसभा में केवल इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा का जो भ्रष्टाचार का मुद्दा, वो आजकल भ्रष्टाचार के खिलाफ न लड़के वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है, वो भ्रष्ट जन पनाहगाह पार्टी बन गई है। आजकल मोदी जी केवल जो युवाओं से बात कर लेते हैं, कौन सा नारा लगाया, कौन आया, आदरणीय राहुल जी प्रचंड नारेबाजी कौन सी कर रहे हैं, नारेबाजी कौन कौन सी लगा रहे हैं, नारेबाजी जिंदाबाद स्वाभाविक है, ये नारा स्वाभाविक है। राहुल गांधी की रायबरेली में एंट्री, उनकी मौजूदगी बहुत स्वाभाविक है, उत्साह, लेकिन हंगामा किस बात को लेकर हुआ है ये जानने की कोशिश करिए। और अमित, सबसे बड़ी बात यह है कि हल्ला हंगामा जरूर हुआ है। आज बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी भी अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। ऐसे में शोर तो बनता है, लेकिन सवाल लगातार पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि आखिर अमेठी क्यों छोड़नी पड़ी और एक सुरक्षित सीट कांग्रेस की जो मानी जाती है रायबरेली, उसे क्यों चुनना पड़ा। तो इस वक्त कांग्रेस जरूर बैकफुट पर है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है। अमित, इसमें कोई दो राय नहीं नीलू, की कांग्रेस पार्टी ने एक प्रकार से मौका तो दे ही दिया है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी कि अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए हैं। अब जबकि वायनाड में चुनाव हो गया और चर्चा चल रही थी कि अमेठी लौटेंगे राहुल गांधी, कल तक ये चर्चा थी, आज ये जब पता चला कि नहीं, वो अमेठी नहीं आ रहे, रायबरेली जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को अटैक करने का एक और मौका मिल गया। और लगातार अनुराग ठाकुर की तरफ से, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, ब्रजेश पाठक की तरफ से बात कही जा रही कि हम तो कह ही रहे थे कि वो अमेठी में दोबारा लौटकर नहीं आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इसके पीछे भी कोई रणनीति है, वो भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से उमेश के पास चल लेते हैं। उमेश, आप कहां पर मौजूद हैं, थोड़ा समझाइए, बताइए कि हंगामा क्यों हुआ, किन लोगों के बीच में हुआ, क्या परिस्थितियां बन गई ऐसी? जी हाँ, देखिए यहाँ शोर बहुत है, जितना मैं आपको सुन पा रहा हूँ, निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। रायबरेली की सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट कही जाती है और ये जोश आप देखिए कि किस तरह से कार्यकर्ता यहाँ पर जोश के लबरेज है, उत्साह और उमंग के लबरेज है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के झंडे यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहेंगे, कितना उत्साहित है। राहुल गांधी का आगमन हो रहा है, कुछ ही क्षणों बाद नामांकन होने जा रहा है, रायबरेली से वो लड़ने जा रहे हैं, आखिरकार मन की मुराद पूरी हो गई आप लोगों की? बिल्कुल, हम लोग जो यहाँ के आवाम जो चाह रहे थे, हम लोग जो चाह रहे थे, मन की मुराद आज पूरी हो गई और राहुल गांधी कम से कम 5 लाख वोटों से ज्यादा से जीतने जा रहे हैं और इंडिया में ये गठबंधन पूरे इंडिया में जीतने जा रहा है और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बताओ, आरपी यादव के नेतृत्व में 2 लाख+ वोट है सदर विधानसभा से, ये तो इनकी है, बाकी और भी विधानसभा थे बहुत ही हाईएस्ट। रायबरेली जनपद में
इंडिया गठबंधन में सभी दलों में जो इंडिया गठबंधन के हैं उनका स्वागत है, सामंजस्य है। राहुल गांधी इस देश में रायबरेली जनपद से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। अखिलेश यादव रायबरेली में इतने पैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हमने 22 में इसी प्रत्याशी की थी जो लोकसभा लड़ रहे हैं। 22 में भारतीय जनता पार्टी हारे हैं 30,000 वोटों से, यहाँ 5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी हार, जमानत जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। देख रहे हैं आप किस तरह से ये जोश आई है। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी दिखाई है, किस तरह से जहाँ जहाँ तक निगाह जा रही है वहाँ वहाँ तक कांग्रेस के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं और सब अपनी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं बेहद उत्साह के साथ। यहाँ क्या महिलाएं क्या पुरुष सभी यहाँ पर बेहद उत्साह के साथ पहुँचे हुए हैं। मैडम आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कितना उत्साह से लबरेज हैं? रायबरेली जनता पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रही है गठबंधन, और राहुल गांधी भारी बहुमत से जिताएगी। महिलाओं का ये हुजूम देखिए, महिलाएं भी यहाँ पहुंची हुई हैं, टोपी लगाए हुए हैं और यहाँ पर लगातार महिलाएं। मैडम क्या कहेंगी आप, कितना खुश हैं, कितना उत्साहित हैं कि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं? देश में संसद जो यहाँ पे लोकतंत्र है, जो संविधान हमारा बदल रहा, हम लोग जीत कर संविधान बदलने नहीं देंगे और तोड़ देंगे और भाजपा को जीतने नहीं देंगे। पूरे इस वक्त कह सकते हैं जोश से लबरेज दिखाई दे रहे हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। और सबसे